Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा, maths में हमारा addition चल रहा है और addition में बेटा आपने add with carry और without carry दोनों कर लिए बेटा. इसके अलावा properties of addition भी कर ली है बेटा. Today we will do statements वाले sum करेंगे बेटा हम add के. आपको बेटा ये सवाल स्टेटमेंट के साथ करने हैं, सीधा आपको रकम लिख के ऐड नहीं करना है, ठीक है? आपको स्टेटमेंट बनानी है और फिर करेंगे बेटा, ठीक है? स्टेटमेंट बेटा छोटी से छोटी बनानी है, बिल्कुल छोटे से. इसमें से पूरी रकम नहीं लिखने बेटा, कुछ वर्ड्स उठाने हैं, ठीक है? कुछ वर्ड ही यूज करने हैं और उससे स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है? उन वर्ड से ही हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि सवाल में क्या पूछा गया है, ठीक है बेटा? तो हमें कोशिश ही करनी होती है स्टेटमेंट में कि हम कम से कम वर्ड्स का यूज करें स्टेटमेंट बनाने में, और हमें क्लियर भी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा? देखिए देखिए बेटा, फर्स्ट सवाल हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 9, और 9 में बेटा हमारा फर्स्ट सम है, देखिए वो क्या है. There are 2576 boys. बेटा ये boys है. And 1894 girls studying in a school. क्या दे रखा बेटा कि एक स्कूल में boys और girls दे रखी है. तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसकी स्टेटमेंट, देखिए पहले दे रखा है बेटा boys. हमने लिख दिया boys in school. स्कूल में बॉयज कितने हैं बेटा, ये है 2576. आप लिखेंगे बेटा गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स इन स्कूल. और बेटा गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है बेटा 1894. बेटा आपको ये ध्यान रखना है इक्वल के निशान के नीचे इक्वल आना चाहिए, नंबर के नीचे डिजिट आना चाहिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है. अब बेटा आगे देखिए बेटा, अब हमें इसमें ऐड करना है. कैसे पता चलेगा बेटा, आपने देखा कि जो लास्ट लाइन है ना क्वेश्चन मार्क है जिसके अंदर, इसमें दे रखा व्हाट इज द टोटल. बेटा जो हमारी क्वेश्चन मार्क वाली लाइन होती ना, इसके अंदर टोटल आ जाए, टोटल पूछा जाए या ऑल पूछा जाए ना, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बेटा, ऐड होता है, ठीक है? जब भी जो हमारी व्हाट वाली लाइन है या हाउ है, कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ हाउ भी हो सकता है, मींस क्वेश्चन मार्क वाली लाइन, ठीक है? इसके अंदर टोटल आ जाए ऑल आ जाए ना बेटा, तो क्या होता है हमारा, ऐड होता है, ठीक है? अब देखिए इसमें है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम यहाँ से सीधा बस इतना ही लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है? अगर यहाँ बेटा मान लीजिए, देखो मैंने ये बड़ा लिख दिया, ठीक है? तो आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा लिख लेंगे, ठीक है? छोटे छोटे वर्ड्स में, और इक्वल के नीचे इक्वल, और बेटा टोटल है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे. 6 और 4 10, 1 कैरी, 7 और 9 16, और 1 17, 1 कैरी, 5 8 13, और 1 14 बेटा 1 कैरी, 2 1 3, और 1 4. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए बेटा, 4470. ये हो गया बेटा हमारा सवाल सोल्व. नेक्स्ट है बेटा सेकंड, देखिए टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ जेन्स फैमिली इज. क्या बेटा क्या दे रखा है, मंथली मीन महीने का एक्सपेंडिचर होता है बेटा खर्च. क्या कि एक फैमिली है बेटा जैन की, और इसका पूरा महीने का खर्चा दे रखा कि एक महीने में कितने रुपए खर्च करते हैं. और बेटा ये एक महीने में करते हैं रुपए 7385. हम लिखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर, हम पूरा नहीं लिखेंगे बेटा, बस इतना ही लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का मीन खर्चा. मंथली एक्सपेंडिचर कितना है बेटा, कितना खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ₹7385, ठीक है? फिर है बेटा आगे कि इफ दे सेव, सेव मीन बचाना, वो बचाते हैं बेटा, कितना बचाते हैं वो पर मंथ 1890
25 रुपीस बचाते हैं। तो मंथली सेव कितना करते हैं, हम लिख देंगे मंथली सेव, एक महीने में सेव में बचाना, और इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, रुपीस के नीचे रुपीस। कितने रुपए सेव किए बेटा उन्होंने, 1895 ये रुपए बेटा उन्होंने बचा लिए। आप पूछा है अगर वो इतने रुपए खर्च करे, इतने रुपए बचा रहे, तो टोटल ये मिला के कितनी इनकम है उसकी, ठीक है। तो हम क्या, हमें क्या लिखना है, मंथली इनकम लिखना है। आप लिखेंगे मंथली इनकम, और मंथली इनकम क्या हो जाएगी बेटा उसकी, इनको हम ऐड कर देंगे, जो खर्च किया है और जो सेव किया है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से 5 5 10 8 9 17 18 8 3 11 और 1 12 7 1 8 और 1 9 इतने रुपए उनका क्या है बेटा, मंथली इनकम है। मींस महीने में वो इतने रुपए कमाते हैं, जिसमें से खर्च कर लेते हैं, बचा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा हम ये स्टेटमेंट के सम करेंगे, ये टू सम्स हो गए हैं बेटा। आपको भी स्टेटमेंट के साथ करने हैं, ध्यान से समझकर करना है बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा थर्ड। थर्ड में देखिए बेटा क्या दे रखा है, ऑन कुनाल्स एडमिशन इन ए स्कूल हिज फादर पेड रुपीज 2758 फॉर फीस। क्या कर रहे बेटा कि कुनाल है, उसके पापा क्या करते हैं, कुनाल का एडमिशन एक स्कूल में करवाते हैं, और उसकी फीस कितनी देते हैं बेटा, वो एडमिशन टाइम में उन्होंने फीस दी है 2758 रुपीज। हम क्या लिखेंगे, फीस पेड, थर्ड है बेटा, हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, हमने लिखा फीस पेड। फीस की कितने रुपए दिए बेटा, फीस के उन्होंने दिए हैं 2758, इतने रुपए फीस के लिए दिए बेटा। फिर है आगे स्पेंट रुपीज 1361 ऑन बुक्स, उन्होंने बुक्स के ऊपर कितने लगाए बेटा, 1361 हम लिखेंगे स्पेंट ऑन बुक्स, स्पेंट बुक्स, बुक्स के ऊपर उन्होंने स्पेंड क्या किया बेटा, बुक्स के ऊपर उन्होंने किया रुपीज 1361 रुपीज। अब नेक्स्ट बेटा स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म, अब उन्होंने क्या किया बेटा, बुक्स के बाद उन्होंने यूनिफॉर्म मिली, हम लिखेंगे स्पेंड ऑन, ऑन नहीं लगाया बेटा मैंने यहाँ पर, ठीक है, स्पेंड ऑन। आप लिखेंगे स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के ऊपर कितना किया बेटा, यूनिफॉर्म ली उन्होंने 975, ये हो गया बेटा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या पूछा, हाउ मच मनी ही स्पेंड इन ऑल। अब बेटा जब भी इन ऑल आ जाता है, इन ऑल का मींस क्या होता है, हमें ऐड करना, जब भी ये आ जाए ना क्वेश्चन मार्क लाइन में, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ऐड करना है, हम ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए अब 8 और 1 9 9 और 5 14 1 कैरी 6 5 11 और 1 17 और 1 18 1 कैरी 7 3 19 सॉरी 7 3 10 और 9 19 और 1 20 2 कैरी 2 1 3 और 2 5, उसने कितने रुपए खर्च किए बेटा, 5084 रुपीस खर्च कर दी है उसने टोटल, ठीक है। अब फोर्थ है बेटा, देखिए इफ 4508 मैन, क्या कि एक विलेज में इतने मैन है, इतनी वुमेन है, और ये चिल्ड्रन दे रखे हैं, हम लिखेंगे मैन इन विलेज, मैन कितने हैं, ये है बेटा 4508। आपको पता है बेटा कहीं पर भी, चाहे गांव हो चाहे कुछ भी हो बेटा, कोई भी सिटी हो चाहे, वहां पर जो टोटल पॉपुलेशन होते हो, मैन वुमेन और चिल्ड्रन सबसे मिलकर बनती है, ठीक है। तो मैन है बेटा, आप लिखेंगे वुमेन इन विलेज,
वुमेन कितनी है बेटा? वुमेन है 2987, ये वुमेन है बेटा, ठीक है। अब है चिल्ड्रन, हम लिखेंगे चिल्ड्रन इन विलेज, और बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 1395, ये बच्चे हैं बेटा। अब नेक्स्ट लाइन है बेटा, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, हम लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें दिया व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, हम केवल टोटल पॉपुलेशन लिख देंगे, और टोटल पूछा गया है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। 8715 और 520 2 कैरी, 9817 और 219 1 कैरी, 9514 और 318 और 119 1 कैरी, 426 और 177 और 18, और बेटा हमारा आंसर क्या आ गया? 8990, इतनी जनसंख्या है बेटा, टोटल जो वो विलेज है ना उसके अंदर इतने लोग रह रहे हैं। तो बेटा ये है आज का आपका वर्क, आपको ये स्टेटमेंट करनी है बेटा ध्यान से समझ करके, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेना, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हो तो पेरेंट्स की हेल्प ले लेना बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।